प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 17 को देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। आपसे कह रहा है विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट बी मोर सेम और लेस देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक लेंस है, आपने ब्लू लाइट के लिए भी यूज़ किया है उसको और रेड लाइट के लिए भी यूज़ किया, तो सवाल ये है कि क्या फोकल लेंथ आपस में सेम होंगी या अलग अलग होंगी। तो लेट्स चेक इट। कैसे चेक करोगे? आप एक चीज़ जानते हो, फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस का वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यस और नो? आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। ऐसा देख लो कि फोकल लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको ये पता होना चाहिए जो ब्लू कलर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेड। तो यहाँ पर अगर वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। यह सुन लो, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होगी वो ब्लू कलर की कम होगी। अब देखिएगा, चूँकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ वैल्यू कम, तो फोकल लेंथ ज़्यादा, तो रेड कलर की फोकल लेंथ ज़्यादा आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू द ब्लू। तो यही आपसे पूछा गया था कि किसकी ज़्यादा होगी, तो रेड कलर की फोकल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ईजी वे में मैंने आपको बता दिया।